देखिए, साइंस के लगातार मैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपके लिए कवर कर रहा हूँ और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 25 नंबर के आते हैं और आपको धीरे धीरे मैं सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन रिवीजन क्लास है, मैं जो डेली टेस्ट दे रहा हूँ, तो आपने आपको डेली टेस्ट से चेक किया करिए कि क्या आप साइंस कैसे क्वेश्चन को जानते हैं, क्या अब इसके आंसर कर पाते हैं। और डेली धीरे धीरे मैं आपका एग्जामिनेशन जब तक आएगा तब तक पूरा साइंस निपटा दूंगा, कोशिश यही कर रहा हूँ। बस आप लोग बी रेगुलर ऑन टाइम, मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, मैं ऑन टाइम नहीं, लेकिन क्लासेस रेगुलर दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा दिक्कत आता है, नहीं तो मैं समय पे देता हूँ क्लास, लेकिन आपको रेगुलर दूंगा। कभी कदार लेट हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो टेस्ट चौथा है, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। 1, 2, 3 पार्ट अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, फिर हमारा आज का ये चौथा पार्ट आप देखिएगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपका होना चाहिए क्या, कि इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक आपने नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से मुझे पता चलता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सच में इस क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और प्लस मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो, मतलब कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, सबकी चीज़ें अच्छी हैं, तो मैं और अच्छा ट्राई करूंगा डिलीवर करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिस नहीं होगा, सारा मिलेगा। और मैं इसका PDF भी आपको दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, पार्ट 3 है, तो सारे जो कि टेलीग्राम पे आपको PDF भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर @OmJaiswal सर्च करके, JISWAL सर्च करके, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, सर्च करके आप ले सकते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 22,000 ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। हमारा क्या है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। अब हम लोग पूरा क्वेश्चन ध्यान से लगाएंगे। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? जी बिल्कुल सही, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। अब ये क्वेश्चन अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियां होती है, लेकिन बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो 300 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं। अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। ये क्वेश्चन आपके NTPC में एंड पिछले एग्जामिनेशन में, अभी जो NTPC हुआ उसमें भी पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे, मानव शरीर में जो ब्लड है दोस्तों उसकी मात्रा 7% होती है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लीटर आपकी खून की मात्रा होती है, एंड फीमेल की बात करें तो 4 से 5 लीटर की मात्रा खून की होती है। खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है, आपको पता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो लोहा मौजूद होता है। एंड ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन ही करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, RBC की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। RBC लाल रक्त कणिकाएं, जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों आएगा, इसको हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो कि चेक करते हैं। RBC बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड WBC भी, WBC उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो कोरोना काल में WBC बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रोग प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है, रोग प्रतिरक्षक क्षमता को बिल्डअप करता है। तो हमसे पूछता है दोस्तों कि RBC का जीवन काल कितना होता है, W। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग जानते हैं, आप सभी लोग सिंगल सारे लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे कि RBC का जीवन काल कितना है, एंड WBC का। WBC का कम होता है, RBC का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं सबके कमेंट लाइक करता हूं। अगला देखिए क्वेश्चन, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग के द्वारा किया जाता है। एक प्रोटीन है दोस्तों हेपरिन, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यकृत, लीवर इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। एंड ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। एक क्वेश्चन और इन्हीं सभी ऑप्शन में मौजूद है, आप बताइए दोस्तों कि भोजन का जो पाचन होता है वो कौन सी आंत में होता है, इंटेस्टाइन। कमेंट करके बताना है दोस्तों कि भोजन का पाचन जो होता है किस आंत में होता है, कमेंट करके सब लोग बताइएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य पित्त रस का pH मान कितना होता है। बाइल, ठीक है, बिल्कुल सही, बताइए बाइल, जी बिल्कुल सही, इसका जो pH होता है वो होता है आपका 7.7। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मैं आपको सब बता चुका हूँ A to Z। pH आपके खून का पूछेगा तो 7.4, आंसू का पूछेगा तो इसका भी होता है 7.4, दूध का पूछेगा तो 6.8, समुद्री जल का पूछेगा तो 6.4, एंड नींबू का पूछेगा तो 2.2, ठीक है, HCl का पूछेगा तो आपका 0। हमारा जो स्केल होता है 0 से लेके 14 तक का ना, इधर एसिटिक होता है, इधर आपका एल्काइन होता है, बीच में हो आप न्यूट्रल होता है 7। जो 7 किसका होता है दोस्तों, 7 वर्षा के जल का होता है, ठीक है। अगर यही वर्षा का जल एसिटिक रेन में 15 जाता है, जब आपका इसका हो जाता है 5.6 अगर हो जाता है, तो वो एसिड रेन में चल जाता है। तो pH बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है, वेट। हृदय का जो टूट जाता है, बिखर जाता है, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये होता है आपका 300 ग्राम का, ऑप्शन नंबर D इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं भेजा जा सकता, रीजन क्या है। जेट विमान को भेजा जा सकता है, नहीं, क्यों,
दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस वजह से हम उसको नहीं भेज सकते। आपको पता होना चाहिए कि जो रॉकेट जाता है उसमें ऑक्सीजन भी रहता है, अलग अलग बॉक्सेज में रहता है तभी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में मॉडर्न क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार जीता। देखिए अब तक जी सभी सही रहेगा, चार लोगों को दो दो क्षेत्र में जो कि नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, पर्सनल सिंगल, तो इसमें से ये भी एक है जिनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल का आविष्कार कब किया गया। अब तो घरों में हमेशा हर जगह यूज होता है सौर सेल, इसका आविष्कार कब किया गया। जी हाँ, सौर सेल का आविष्कार किया गया था 1954 में, इस क्वेश्चन में आपसे सी हो जाएगा, सन 1954 में। दसवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, जी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉप्सन इकाई का प्रयोग दोस्तों ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, जो हमारा सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकने का काम करता है, और हमारे जो कि जमीन धरातल से 35 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है ये, तो याद रखेंगे यही है आपका ओजोन गैस का लेयर जो हमको बचाता है, हमको प्रोटेक्ट करता है सन के गलत जो विकिरण होते हैं उनसे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आप लोग के लिए ई बुक लॉन्च कर दिया है, अगर आप नए हैं इस ई बुक को अभी तक नहीं लिया है तो सब लोग ले लीजिएगा। ये ई बुक पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जो कि साइंस के 1001 प्रश्नों का है, और ये 1000 ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप डी है आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनको रट लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आने के चांसेस हैं, प्लस ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं। अब आपने देखना है कि साइंस के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट भी किए जाते हैं परीक्षाओं में, और प्लस इसमें संभावित प्रश्नों को भी जोड़ा गया है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर लीजिए, सभी प्रश्नों के साथ उनके डिटेल, अगर 1000 प्रश्न है तो आपको 1000 डिटेल भी उसमें दिए गए हैं। एंड सेकेंडली दोस्तों जीके आपका 10 नंबर का आपके परीक्षाओं पूछेगा, तो जीके के 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने एक ही ईबुक में कन्वर्ट किया है दोस्तों, इस ईबुक को आप ले सकते हैं 100% सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, आपका जितने भी टॉपिक बनते हैं आप देख सकते हैं, सारे मैंने टॉपिकों के बारे में डाला हुआ है, तो आप इनको ले सकते हैं, इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, दोनों ही जो कि ईबुक पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके परीक्षाओं के लिए, एंड बहुत मेहनत से इसको बनाया भी गए हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो यहाँ पे दोस्तों उसको हम सोनार के माध्यम से, किस माध्यम से, सोनार के माध्यम से पता लगाते हैं समुद्र की गहराइयों में, ठीक है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाना प्रमुख कारण होता है, किसकी वजह से होता है, दूध को मथने पर ज्यादा हम मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है, रीजन क्या है, जी बिल्कुल सही, इसका रीजन है अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, जो जलता हुआ बल्ब होता है तो टेम्परेचर कितना होगा, जी बिल्कुल सही, उसका टेम्परेचर दोस्तों होता है 1500 डिग्री से लेकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन से संबंधित है। कैसिनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासा सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, शनि से संबंधित है, शनि, शनि हमारे ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की सूची में आता है, क्यों आता है, क्योंकि देखिए ये छल्लो वाला ग्रह है, इसे काला ग्रह कहते हैं, और इसके पास उपग्रह की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, तो लगभग 82 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 64 वर्ष लग जाते हैं, एंड घनत्व के मामले में पृथ्वी का एक तिहाई है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम लोग बात कर रहे हैं नासा, नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिम ब्रिंडस्टाइन इसके हेड है, इसकी स्थापना हुई थी 1958, काइंडली नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक की शाखा किस शाखा के में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो क्वांटम फिजिक्स इज द राइट आंसर। आपने एक मूवी देखा होगा एंटमैन, एंटमैन मतलब एकदम छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स में चले जाना, वही वो छोटा हो जाता है, जिसने बड़ा रहता है चीटी बन जाता है। अगला देखिए, तो शरीर में आयरन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। अगर आपके बॉडी में आयरन भी ज्यादा हो गया तो एक रोग हो सकता है, और ये क्या है दोस्तों, दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं लोहमयता, लोहमयता बोलते हैं, बल्कि एनीमिया जो होता है, आपकी बॉडी में खून की कमी अगर हो जाए तो आपको एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, रोल गोल्ड कहते हैं ना, फूल्स गोल्ड चूरन उरन में जो निकलता है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा आयरन पायराइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन पायराइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ता की एक कटिंग के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। लोहे को जस्ता, इसको देखिए बोलते हैं गैलोनाइजेशन, कहीं ना कहीं इस पर जंग वंग ना लगे उसको सुरक्षित करने के लिए।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है? पादप हार्मोन पेड़ पौधों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मास याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की इन सभी ऑप्शनों में से सबसे हल्की धातु दोस्तों है आपका लिथियम। इन सभी ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे दो गैसों में, तो बताइएगा। अगला देखिए, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के दौरान उत्पन्न होता है? ऐसा क्या मिला देते हैं कि हरा रंग निकलता है उसमें? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा बोरियम का इस्तेमाल करते हैं, ए इज राइट। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं उनका दिल से धन्यवाद है, जो नहीं करते हैं आप जरूर कर दिया करिए, पता चलता है प्लस मनोबल भी मिलता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग कम से कम एक दो जगह तो शेयर किया ही करिए, कहीं पे भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आपका ग्रुप वगैरह है। एंड चैनल पर नए हैं तो किसी दिन भी इस क्लास को मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा में, बिल्कुल सही दोस्तों, 1 ग्राम वसा में आपका 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, ओजोन की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में, जी हाँ दोस्तों, ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी तथा मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है किसमें? मानव खोपड़ी तथा मस्तिष्क का अध्ययन किसमें किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सेंसर हो जाएगा, ये किया जाता है आपका मस्तिष्क विज्ञान में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि दोस्तों हम लोग कैसे मापते हैं? पौधों की वृद्धि को मापने वाला कह लीजिए यंत्र, ग्राफ, मीटर क्या है? दोस्तों बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं केस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारी जल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? भारी जल बोले तो D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया गया आपका वाष्पवर्ण और यूरे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, इन्वेंटेड बाय वाष्पवर्ण एंड यूरे के द्वारा किया गया। अगला, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? अगर हम लोग अल्कोहल को पेट्रोल में मिला दें तो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, इसको कहते हैं पावर अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए पावर अल्कोहल। अगला देखिए, पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक क्या कहलाता है? पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक क्या कहलाता है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं जैंथोफिल, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्या बोलते हैं उसको? जैंथोफिल। अगला देखिए, वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है? वर्षा की बूंदों का जो आकार होता है वो किस कारण गोल होता है? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से होता है ऐसा, पृष्ठ तनाव। अगला है, अपेक्षित आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं दोस्तों किसके द्वारा? जी दोस्तों, ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं, गलत दिखा है यहां पे, हाइड्रोमीटर, इसमें तो ऑप्शन ही गलत है, सारे ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि हाइड्रोमीटर से तो हम लोग डेंसिटी को करते हैं, ह्यूमिडिटी के हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ना। लेट मी कन्फर्म, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं है, लैक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता मापने के लिए तो कभी जिंदगी में नहीं होगा ये तो। हाइड्रोमीटर जो होता है ये आपका घनत्व के लिए होता है, एंड हाइग्रोमीटर जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ह्यूमिडिटी के लिए। एम आई करेक्ट? आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन को कमेंट करके, लिटिल बिट डाउट है बट सर 100% श्योरिटी है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आप रेगुलर लीजिए, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे।